सर, कल की जैस महापंचायत जो रतलाम जिले में होना थी, वो उसकी बजाय यहाँ पर रामपुरिया में स्थान चयन किया है, क्या कारण? देखिए, प्रशासन ने हमने प्रशासन से मांग की थी कि हमको रतलाम में स्थान दिया जाए, और रतलाम में कई ऐसी शासकीय स्थान है जहाँ पर ये जयस महापंचायत हम आयोजित कर सकते थे। वहाँ पर स्थान भी अच्छा था, सुविधाएँ भी थी और लोगों को आने जाने की भी सुविधाएँ वहाँ पर ज़्यादा थी। पर प्रशासन की हठधर्मिता के कारण और हो सकता है किसी के दबाव की वजह से प्रशासन ने हमें रतलाम में परमिशन नहीं दी है, और हमको मजबूरी में रतलाम से 7 किलोमीटर दूर रामपुरिया में यह पंचायत आयोजित की करना पड़ रही है। यहाँ हम सारी व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं, हमारे लोग, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हम पूरा तैयारी के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। टेंट की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। पर मैं प्रशासन से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिसके भी दबाव में ये हमको यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है रतलाम में कार्यक्रम आयोजित करने की, तो ये गलत किया है। और रतलाम में जितनी भी ये विधायक सभा गृह और जो बने हुए हैं, सब शासकीय भूमि पे बने हुए हैं और ये आम पब्लिक के उपयोग के लिए है। आज तक का रिकॉर्ड है, पिछले 2-3 साल से हम हर बार वहाँ पर मांगते हैं ये स्थान, और प्रशासन द्वारा ये मना कर दिया जाता है। हमने पिछले 9 अगस्त को भी वहाँ पे हमने मांगा था, तो वो स्थान दिया नहीं, और अभी भी हमने सामाजिक काम के लिए ये जगह मांगी थी तो दी नहीं है। और आदिवासियों के लिए रतलाम में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई कार्यक्रम हम आयोजित करते, चाहे शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि रतलाम में इस तरीके का जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो गलत है। हम पूरा जयस संगठन उसकी निंदा करते हैं, और ये कल मुद्दा हम जयस महापंचायत में भी उठाएंगे, और हम विरोध कर रहे हैं इन सभी जो भी इस तरीके का काम हमारे पीछे कर रहे हैं उन लोगों का। और हमको जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो हम उसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, और ज़रूरत लगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और इनको RTI लगा के सारी जानकारी मांगेंगे कि क्या कारण है जो हमको ये स्थान नहीं। सर, आपका नाम और आपका पद? देखिए, मैं डॉक्टर अभय ओरी हूँ, जयस प्रदेश संरक्षक हूँ, और ये जो जयस महापंचायत हो रही है ये पूरे देश के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, 4 राज्यों के लोग यहाँ पर आएंगे और मध्य प्रदेश के लगभग 22 जिलों से यहाँ पर लोग आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़े स्तर पर ये आयोजन होगा, और लगभग 1 से 1.5